अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बर्ड्स स्टूडियो में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज फिर हम आपके साथ हाजिर हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जो है वो बर्ड स्ट्रेस के ऊपर है, जो कि बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है उसके ऊपर है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, काफ़ी सारे बर्ड्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, जो कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता। और फिर वो स्ट्रेस में आने के बाद वो काफ़ी सारे मसलों में आ जाता है बर्ड। तो चलिए मैं आपको स्ट्रेस में जो बर्ड आ जाते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो मैंने इस टॉपिक को जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला है साइंस ऑफ बर्ड स्ट्रेस, नंबर दो है रीज़न ऑफ बर्ड स्ट्रेस, और तीसरा है हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रेस बर्ड। तो सबसे पहला जो है वो साइन ऑफ स्ट्रेस बर्ड, मतलब कि उसकी क्या अलामत हैं कि बर्ड जो है वो किस तरह से नज़र आता है बर्ड कि वो स्ट्रेस में है। और नंबर दो है रीज़न ऑफ स्ट्रेस बर्ड, मतलब कि किन वजूहात की बिना पर वो बर्ड स्ट्रेस में आता है। और नंबर तीन है हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रेस बर्ड, मतलब कि अपने बर्ड को आप किस तरीके से सही कर सकते हैं और किस तरीके से उसको कह सकते हैं आपके उसको किस तरीके से आप स्ट्रेस से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो साइन ऑफ स्ट्रेस बर्ड के ऊपर बात करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो साइन ऑफ स्ट्रेस बर्ड में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें फीदर प्लकिंग, मतलब के बर्ड अपने जो है वो परों को नोचते हैं और दूसरे बर्ड के भी परों को नोचते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बर्ड अक्सर एक बर्ड जो है उसमें से वो ज़्यादा पर दूसरे बर्ड के प्लक कर रहा होता है, अक्सर आपने देखा होगा। और कभी कभी वो बैठ के अपने ही पर जो है वो निकाल रहा होता है। तो ये एक रीज़न है स्ट्रेस का, स्ट्रेस नज़र आने वाली अलामत है। जी फ्रेंड्स, तो इसमें नंबर दूसरा आता है सेल्फ म्यूटिलेशन, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड जो है वो पिंजरे में जो है वो बेचैन हो रहा होता है, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी जो है वो ऊपर नीचे, इस तरीके से आपने देखा होगा पूरे केज में वो घूम रहा होता है। तो और इसी तरह से जो हम हैंड टेम बर्ड करते हैं उसमें भी हम फोर्सली उसको जो ट्रेन कर रहे होते हैं वो भी उसकी वजह से भी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। बर्ड्स को आपने देखा होगा कि वो अपने पैर या अपने परों को जो है वो काटता रहता है और काटते काटते वो खून निकाल लेता है और फिर वो खून को जो है वो खाता रहता है, अक्सर आपने इस तरीके से देखा होगा। ये भी एक रीज़न है स्ट्रेस का। और इसी तरीके से हम नंबर तीन पे आते हैं फ्लफी फीदर्स, मतलब कि अक्सर आपने देखा होगा बर्ड जो है वो अपने पर फुला के बैठ जाता है और मतलब वो बीमार नहीं होता लेकिन वो बैठा हुआ होता है पर फुला के, और हम ये समझ रहे होते हैं कि ये बीमार है लेकिन वो बीमार नहीं होता, वो स्ट्रेस में होता है। इसी तरीके से हम नंबर फोर्थ पे आते हैं हार्ड टू बॉर्न एंड ब्रीड, तो इससे मुराद ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम ज़बरदस्ती पेयर एक लगा रहे होते हैं और हम ये चाह रहे होते हैं कि ये पेयर बहुत अच्छा है, मतलब कलर वाइज ये पेयर बहुत अच्छा है तो ये पेयर इससे लग जाए, तो इस वजह से भी जो है वो बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। और दूसरा रीज़न ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम विदाउट एनी रेस्ट जो है वो बर्ड से जो है वो ब्रीड लेते रहें और उसे हम रेस्ट भी ना दें, तो ये भी एक जो है वो अलामत है स्ट्रेस में आने की। तो आपने अक्सर देखा होगा काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये समर सीज़न में भी जो है वो ब्रीड ले रहे होते हैं और उन बर्ड को जो है वो रेस्ट नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। जी फ्रेंड्स, तो हम नंबर फिफ्थ पे आते हैं डिस्ट्रॉइंग एग्स,
तो डिस्ट्रॉइंग एग का मतलब ये है कि वो बर्ड, अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रीडिंग सीजन में बर्ड जो है वो अपने अंडे जो है वो ख़राब कर देते हैं या तोड़ देते हैं, या आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो एग्स जो है वो बॉक्स के अंदर ही फैले हुए होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है बर्ड के स्ट्रेस में आने का, क्योंकि उसको कोई ना कोई चीज़ परेशान कर रही होती है, या उसको कोई केज के अंदर कोई कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा हो, या वो कॉलोनी ब्रीडिंग की वजह से परेशान हो रहा हो। कॉलोनी ब्रीडिंग में भी हमेशा मसले ही रहते हैं। तो इसी तरीके से चलिए हम नंबर सिक्स पे आते हैं। नंबर सिक्स पे जो है वो कॉलोनी के बारे में बात है कि किलिंग अबेंडिंग एग्स और चिक्स, मतलब कि दूसरे बॉक्स में जो है वो घुस के जो है वो उसके चिक्स वगैरह मार देना या उसके अंडे ख़राब कर देना, ये जो है वो कॉलोनी के अंदर ये अक्सर मसले होते हैं जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाई की वजह से ये मसला पैदा होता है। तो कॉलोनी ब्रीडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है, और कॉलोनी में हमेशा बर्ड जो है वो स्ट्रेस में ही रहता है, क्योंकि वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो बॉक्स की वजह से ही लड़ते रहते हैं, या फिर वो मेल फीमेल की वजह से लड़ते रहते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा पहला हिस्सा। चलिए अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें रीज़न ऑफ स्ट्रेस बर्ड, मतलब कि क्या रीज़न होते हैं, क्या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टरबेंस। अब डिस्टरबेंस से मुराद ये कि आपके जो आपका जो मास्टर केज है, या अगर आपका मास्टर केज नहीं है, अगर आपका मास्टर केज नहीं है तो बर्ड 100% आपका बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आएगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि उसमें बिल्ली, अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्ली जो है वो बर्ड को हमेशा परेशान करती है, तो एक रीज़न तो हमारे पास यही है, और मेन रीज़न यही है, मतलब कि बर्ड के जो है वो स्ट्रेस में आने का। अच्छा, ये रीज़न हो गया। उसके अलावा केज में जो है वो कोई चूहा घुस जाता है, या कोई सांप वगैरह, जैसे कि अगर आपका शेड जो है वो किसी गांव की तरफ है तो अक्सर आपने देखा होगा सांप वगैरह भी वहाँ पे आ जाते हैं। जी, तो सांप वगैरह भी वहाँ पे आ जाते हैं, और भी काफ़ी सारे मतलब इसी तरह के छोटे मोटे कीड़े जानवर वगैरह, ये भी एक बहुत मेन रीज़न है बर्ड को डिस्टर्ब करने का। अच्छा, दूसरी दूसरी दूसरा जो इसके ऊपर है वो ये कि वेदर का एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड होना, मतलब कि अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड उस टाइम में भी स्ट्रेस में आ जाता है जब या तो वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो, ये भी एक रीज़न है बर्ड के स्ट्रेस में आने का, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा बर्ड ज़्यादा गर्मी के अंदर बर्ड जो है वो ब्रीडिंग करेगा, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर्दी में बर्ड ब्रीडिंग करेगा। इसी तरह से नंबर तीन के ऊपर है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि विटामिन और मिनरल्स की कमी बर्ड्स के अंदर, तो उसको या तो प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही हो, प्रॉपर विटामिन ना मिल रहे हो, जिसकी वजह से वो अपने खुराक की वजह से भी बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि एक तो हमने बर्ड को जो है वो केज में रखा हुआ है, केज की वजह से बर्ड में अक्सर जो है वो देखा जाता है विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि उसको ना तो सनलाइट मिल रही होती है और ना ही उसको वो प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स मिल रहे होते हैं, जो कि वो जब वो ओपन, मतलब कि आपने देखा होगा जो वाइल्ड बर्ड होते हैं वो अक्सर घूम फिर रहे होते हैं, और वो उनको जो दिल करता है, मतलब कि जो उनको चीज़ चाहिए होती है जिस टाइम, वो चीज़ वो खुद ही ढूंढ के और वो चीज़ खा लेते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने चौथे नंबर के ऊपर आते हैं, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि आपका जैसा कि बर्ड को बर्ड जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, या बर्ड को आप कुरियर कर रहे हैं, या बर्ड को आप जो है वो बार बार, मतलब एक ही हफ्ते में जो है वो बार बार उसको कहीं भेज रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बर्ड के स्ट्रेस में आने का।
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड जब भी हमारे पास से मतलब कहीं दूर से आता है तो वो अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड जो है वो थोड़ा सुस्त हो जाता है, और या तो सुस्त हो जाता है या फिर वो केज में जो है वो घूम रहा होता है, मतलब कि कभी इधर कभी उधर वो सुकून से नहीं बैठ रहा होता। तो ये भी रीज़न जो है वो स्ट्रेस का एक रीज़न है। इसी तरह से मैं एक रीज़न और जो है वो डिस्कस करता चलूँ जो कि सबसे मेन है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में जो है वो हमारे पास केज रखे हुए होते हैं और वो बिल्कुल हमारे ये समझें कि मतलब सहन में ही रखे हुए होते हैं, जो कि बड़ा एक मेरे ख़्याल से सही नहीं है। उसकी वजह ये कि बर्ड उस टाइम जो है वो बर्ड को प्राइवेसी ही नहीं मिल रही थी, मतलब कि वो बर्ड सुकून में ही नहीं रहता क्योंकि बच्चे उसको छेड़ रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे उसको या तो तिनके मार रहे होते हैं, या अक्सर हमारे पास जो है वो घरों में मेहमान आ रहे होते हैं तो वो मेहमान बार बार जाके उनमें देख रहे होते हैं केजिस को, तो इस तरीके से बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। इस चीज़ का हमें जो है वो पता भी नहीं चलता, और इसी तरीके से वो अक्सर लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमारा बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं कर रहा, हमारा बर्ड जो है वो एग्स तो देता है लेकिन उसके अंदर हैचिंग नहीं होती और वो फर्टाइल भी होते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि एक तो आपने उसको प्राइवेसी नहीं दी हुई, दूसरा ये कि वो हर वक्त डिस्टर्ब रहता है, मतलब उसको बच्चे छेड़ रहे होते हैं केजेस में। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो उसको तंग कर रहे होते हैं बर्ड्स को, तो ये सबसे मेन रीज़न है बर्ड को प्राइवेसी ना देने का। इसी वजह से बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, और ये चीज़ जो है वो हम समझ ही नहीं रहे होते और हम यही सोच रहे होते हैं कि हमारा बर्ड जो है वो शायद हो सकता है कि हमने विटामिन ना दिए हो या कोई और रीज़न हो, या हो सकता है बर्ड जो है वो अनफर्टाइल हो। ये भी मतलब काफ़ी सारी वजूहात हैं जो कि दिमाग में आ रही होती हैं। जी फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपने नंबर थर्ड जो हमारा है उसके ऊपर चलते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रेस बर्ड। तो हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रेस बर्ड, इसमें सबसे पहले जो आता है वो कि डू नॉट डिस्टर्ब डैम, मतलब कि आप उनको परेशानी ना करें, और इनको जो है वो एक जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चों से दूर रखें और इनको एक अलग पोर्शन दे दें, मतलब कि एक अलग जगह हो तो ये परेशान ना हो रहे हो, मतलब कि बिल्ली वगैरह ना परेशान कर रही हो, एक मास्टर केज प्रॉपर तरीके से बनवाएं और कोशिश करें कि उसमें जो है वो बिल्ली ना अंदर आ सके, बिल्ली या चूहा या कोई भी ऐसा कीड़ा अंदर ना आ सके जिसकी वजह से बर्ड जो है वो परेशान हो। और अक्सर रीज़न भी यही होता है बर्ड के स्ट्रेस में आने का। जी फ्रेंड्स, तो नंबर दो पर है पुट देम इन अ क्वाइट लोकेशन विद गुड वेंटिलेशन, मतलब कि आप उसको किसी पुरसकून जगह पर रखें, मतलब आपने जो मास्टर केज बनाया है वो एक अलग ही हो घर से, घर से अलग से मुराद के मतलब बच्चों का उस जगह पे गुजर ना हो या बच्चे उस बर्ड को जो है वो छेड़े ना, और आपके जो मास्टर केज है उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर हो। वेंटिलेशन अच्छी ना होने की वजह से भी बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है और जो है वो डिस्टर्ब रहता है। इसी तरह से नंबर थर्ड है प्रोवाइड हेल्दी डाइट विटामिन एंड मिनरल्स, मतलब कि आपने उसको प्रॉपर उसको हेल्दी डाइट, मतलब आपने उसको सॉफ्ट फूड भी देने हैं, आपने उसके दाने का जो है वो ख्याल रखना है कि उसके दाने में तो कोई कमी नहीं है, या उसके विटामिन और मिनरल्स आपने प्रॉपरली उसको वीक में 3 दफ़ा तो मिनिमम आपने देने ही देने हैं। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका बर्ड स्ट्रेस में कभी भी नहीं आएगा। जी फ्रेंड्स, तो नंबर फोर पर है सिक्योर लोकेशन फर्स्ट बिफोर बाइंग बर्ड, मतलब कि आपने सबसे पहले बर्ड ख़रीदने से पहले अपनी लोकेशन जो है वो लोकेशन से मुराद के आपने अपना मास्टर केज प्रॉपर तरीके से बना लेना है, उसके बाद आपने जो है वो अपने बर्ड्स ख़रीदने हैं और उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से केज में छोड़ देना है।
तो अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आप लोग बर्ड जो है वो पहले ख़रीद लेते हैं और अपना मास्टर केज जो है वो बाद में बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड को आप बार बार पकड़ भी रहे होते हैं और उसमें छोड़ रहे होते हैं, कभी इस केज में छोड़ रहे होते हैं, कभी दूसरे केज में छोड़ रहे होते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें और इस चीज़ को अवॉइड करें। सबसे पहले अगर आपको मास्टर केज बनवाना ही है तो आप पहले ही बनवा लें, और ताकि आपको बार बार बर्ड को पकड़ना ही ना पड़े। तो ये भी मतलब कि आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का, और अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल रख लिया तो आपका बर्ड जो है वो स्ट्रेस में नहीं आएगा। जी फ्रेंड्स, तो मैं एक बार फिर आपको बताता चलूं कि बर्ड जो है वो किस बिना पर, किन वजूहात की बिना पर स्ट्रेस में आता है। उनको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था, जो कि सबसे पहले मैंने जिसके बारे में आपको बताया वो ये था कि साइन ऑफ स्ट्रेस बर्ड। नंबर दूसरे पर उसको मैंने फिर आपको पूरा डिस्क्राइब किया। इसी तरीके से नंबर दो है रीज़न ऑफ स्ट्रेस बर्ड, मतलब कि क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर बर्ड स्ट्रेस में आता है, फिर उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरीके से नंबर तीन वो जो था वो हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रेस बर्ड, मतलब कि उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, और इसके बारे में भी मैंने आपको पूरी तफसीलात बताई। तो इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी वीडियो सुनने के बाद जो है वो, देखने के बाद जो है वो समझ में आ गई होगी बात कि क्या किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो अपने बर्ड्स को रखना है और किन किन रीज़न से अवॉइड करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।